में खरीदारी करनी है। बताएं सर पहला स्टॉक आपका। दीपांशु आज का जो पहला स्टॉक है एक इंफ्रा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है एनसीसी जो पहले नागार्जुना कंस्ट्रक्शन के नाम से जानी जाती थी। 252 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है, 270 के शॉर्ट टर्म टारगेट, 240 का स्टॉप लॉस रखना है। एक जबरदस्त कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, ईपीसी प्रोजेक्ट्स करती है मेनली रोड्स हाईवेज, फिर आपके वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स वगैरह का काम करती है और इवन रेलवेज पे भी इनका अच्छा खासा फोकस है, ट्रैक्स बनाने का काम, सिग्नलिंग सिस्टम्स वगैरह का भी काम करती है। एक जबरदस्त 50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फिर क्लियर है इनके पास रोड टोल प्रोजेक्ट्स है जो कि फास्टैग कंपलसरी होने के बाद काफी अच्छा इंप्रूवमेंट इनके परफॉर्मेंस में देखने को मिला है। एक जबरदस्त ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी है और दिसंबर तिमाही बहुत अच्छी थी, 229 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया जो पिछले साल 166 करोड़ का पैट था दिसंबर तिमाही में और फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है। वैल्यूएशन के लिहाज से 22-23 के मल्टीपल पे ये स्टॉक अपने पीयर्स से सस्ता लगता है। एक अच्छी बैलेंस शीट और FISDIs भी अराउंड 38% स्टेक ओन करते हैं जिसमें ICICI प्रूफ, बंधन, HSBC है और इवन राकेश जुनवाला जी फैमिली भी अभी भी इसमें 12.5% हिस्सेदारी रखती है। बाकी मेरा मानना सरकार का फोकस वंस इलेक्शन आउट ऑफ द वे होंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेफिनेटली रहने वाला और उसका एक बड़ा बेनिफिट एनसीसी जैसे स्टॉक को होगा। रिजल्ट इस तिमाही के आने हैं, अभी आए नहीं है बट अच्छे नतीजे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो खरीदारी करने की सलाह है एनसीसी में आज के इस बाजार में। ओके, खरीदारी करिए एनसीसी, ये है आपके लिए सिटी साहब की तरफ से राय। यहाँ पर एक्शन दिख सकता है।